अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे, आज जो है हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स से हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसका पार्ट टू मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पार्ट टू जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो लॉन्ग के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले हम पार्ट टू डिस्कस कर रहे हैं। 11.4 सेलुलर रेस्पिरेशन से स्टार्ट है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एवरी लिविंग सेल रिक्वायर्स स्टेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी। अब इसमें जो है मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें लगेंगी वो मैं आपको बता दूंगी कि जो भी सेल को एनर्जी चाहिए होती है वो कहां से आती है, वो आती है आपके पास ग्लूकोज से। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके पास याद रहता है कि हर सेल को चाहिए जो एनर्जी होती है वो आती है हमारे पास ग्लूकोज से। बाकी जो एरोबिक ब्रेकडाउन, यानी कि अब ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एनर्जी इस तरह होती है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इस तरह फिर क्या होता है कि एटीपी बनते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। तो इस तरह की ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जिसमें हम जो है मतलब सिंथेसिस होती है एटीपी की, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपको पता होना चाहिए सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में आपने ये चीजें जो बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हर प्रोसेस का स्टार्टिंग प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, इक्वेशन और डेफिनेशन, ये सारी चीजें आपने बहुत पक्के से याद रखनी है। बाकी जो बीच के स्टेप्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस क्रैब्स साइकिल के बीच के स्टेप्स होते हैं, आप नहीं भी सही से याद रखे तो इतना कोई मसला नहीं, लेकिन आपको स्टार्टिंग एंड का अच्छे से याद होना चाहिए। तो इधर आपने जो है ये पता कर लिया कि फ्यूल एनर्जी फ्यूल ग्लूकोज है, दूसरा आपने एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन याद कर ली है, हाईलाइट कर ली है हमने। उसके अलावा जो आपके पास इंपॉर्टेंट आ जाता है वो ये है कि बाय प्रोडक्ट क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो आपको पता चाहिए कि जो बाय प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है। अब इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे आपके एमसीक्यू में भी जो है डीजे के एमसीक्यू में भी पूछा गया था कि ऐसी चीज जो बाय प्रोडक्ट है किसका, सेलुलर रेस्पिरेशन का, और स्टार्टिंग प्रोडक्ट है ऑफ फोटोसिंथेसिस का, वो हमें बताना था। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा होता तो आपको ये नहीं पता होगा। बाकी आपको इक्वेशन से याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बना रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसके स्टार्टिंग प्रोडक्ट आपको पता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और एंड प्रोडक्ट आपके पास आ रहे हैं क्या, बाय प्रोडक्ट आ रहे हैं आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि आपको असल प्रोडक्ट चाहिए वो आपके पास है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी या पे हीट। ठीक है, अब होता क्या है कि उस एटीपी को जो है हाइड्रोलाइसिस होती है, और इस तरह क्या होता है एक एंजाइम की मदद से, और फिर वहां से आपके पास एनर्जी आ जाती है। ठीक है, फिर आपको जिस भी, तो आपको एक और चीज जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हर एटीपी की ब्रेकडाउन से जो है कितनी एनर्जी आपको मिलती है, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, इट इज इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के डिफरेंस याद करने हैं, वेरी शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, शॉर्ट के लिए भी और एमसीक्यू के लिए भी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, यानी कि उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही थी और रिडक्शन भी हो रही थी, यानी एक चीज अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी और दूसरी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, यानी डोनर भी है एक्सेप्टर भी है। तो होता है कि इस तरह का प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होती है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं। तो इस तरह क्या होता है, इस रिएक्शन में जो है ना एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और उस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से जो एटीपी की सिंथेसिस होती है ना, यानी कि एडीपी और पी मिलके जो है एटीपी बनाते हैं, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है एक और फॉस्फेट लगने से, उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और जब डायरेक्टली एडीपी पीआई से कंबाइन करता है तब हम उसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यह होती है हमारे ग्लाइकोलाइसिस में, हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दो तरह की रेस्पिरेशन आ जाती है। तो ये आप पढ़ते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में वही चीज है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही होती है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा होता है। लेकिन अगर हम बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो हमारे पास इसमें होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, उस वजह से ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन हो रही होती है वो क्या होती है, एनएरोबिक होती है। तो आपने इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये याद रखनी है कि किस किस में एनएरोबिक होती है। तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि ईस्ट हो गया, उसके अंदर एनएरोबिक हो जाती है, बाकी कुछ बैक्टीरिया में एनएरोबिक होती है, और इसके अलावा कुछ स्पीशीज होती है एनिलीड्स की जो कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरिया में रहती है, तो उनके अंदर भी एनएरोबिक होती है। बाकी दो तरह के एरोबिक होते हैं, फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट। तो ये आपने याद होना चाहिए कि जो ऑब्लिगेट होते हैं वो जो है कभी भी उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, जबकि जो फैकल्टेटिव होते हैं उनका ये हिसाब होता है कि एरोबिकली ही रिस्पायर करते हैं,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं हो तो फिर वो एनारोबिकली भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके एमसीक्यू के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको जो है बाय प्रोडक्ट्स याद होने चाहिए कि प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं या तो इथाइल अल्कोहल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये और लैक्टिक एसिड होता है, यानी कि या तो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो होगा ये कि इसमें दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है और दूसरी वाली जो होती है वो ईस्ट की मदद से वगैरह से होती है। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पे बताई भी है कि फर्मेंटेशन में दो तरह की फर्मेंटेशन होती है, एक में यही मैंने बताया कि इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे ये वाली चीज बताई भी है आपको कि प्रोडक्ट ऑफ इथाइल अल्कोहल लिखा हुआ है कि जो प्रोडक्ट ऑफ इथाइल अल्कोहल होता है ना वो होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से और लैक्टिक एसिड बनता है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और एमसीक्यू में एक आया हुआ भी था कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का बाय जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इकोनॉमिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज यहाँ पे बताई हुई है कि फर्मेंटेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको किस चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। इथाइल अल्कोहल को वाइन्स और बियर्स में यूज किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो गया कि इथाइल अल्कोहल जो होता है वो वाइन्स और बियर्स में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है ये वाली बात बताई हुई है कि वाइन किस तरह से प्रोड्यूस होती है, सारी ईज जो है उसमें डो वगैरह बताई जाती है जो पिज्जा वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, ब्रेड चीज योगर्ट वगैरह बनाई जाती है। तो ये आपने छोटी सी रीड दे देनी है। ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस पे एक अलग से वीडियो बनाई है लॉन्ग के लिए, जिसमें हमने बिल्कुल डिटेल डिस्कस किया। यहाँ पे जो है हम बिल्कुल मेन बातें डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो पूरा एक डीनस प्रोसेस है, लेकिन उसको हमने तीन हिस्सों में तोड़ लिया ताकि हम आसानी से पढ़ सकें। पहला प्रोसेस होता है आपके पास ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली होता यह है कि एक सिक्स मॉलिक्यूल कार्बन होता है जो कि होता है ग्लूकोज, और वो टूट के क्या बनता है, वो टूटने के बाद जो है वो टूट टूट के एंड में एक थ्री कार्बन कंपाउंड बनता है, जिसे हम कहते हैं पाइरूविक एसिड। तो आपने ये याद रखना है कि इसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो होता है वो होता है ग्लूकोज, जो कि सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल है, वो डिग्रेड होता है और क्या बनाता है एंड में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड जो कि थ्री कार्बन कंपाउंड है। ये आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी एक चीज वो है कि फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जो होता है वो जो है क्या करवाता है, कार्बन फिक्सेशन कराता है। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट यानी कि पीईपी, ये कार्बन फिक्सेशन करवाता है, ये याद होना चाहिए आपको। और इसमें यही चीज याद होना चाहिए कि स्टार्टिंग में क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ना मुश्किल होता है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें एटीपी की जरूरत होती है, तो हम एटीपी की मदद से उस ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ठीक है। तो एक एटीपी हमें यहाँ चाहिए होता है, और एक बार जब हम यहाँ फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट बनवाते हैं, यानी कि एक और फॉस्फेट ग्रुप एड कराते हैं, तब भी हमें एटीपी चाहिए होता है। तो टोटल दो एटीपी हमारे यहाँ पे यूज हो जाते हैं, ठीक है, कंज्यूम हो जाते हैं दो एटीपी। और एंड में आपके पास क्या होता है, जब ये वाला स्टेप आता है ना, फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड बनता है, तो यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट जो होता है ना उसके बाद दो हिस्सों में टूट जाता है। यहाँ पे 2x देके लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये दो टूट टू के बने हैं, एक थ्री कार्बन कंपाउंड होता है ये फ्रक्टोज, ये फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड, ये सिक्स कार्बन कंपाउंड था, ये थ्री कार्बन कंपाउंड है, तो ये थ्री कार्बन कंपाउंड है तो ये दो बनेंगे। अब यहां से जितने भी रिएक्शन होंगे यानी वो दो दफा होंगे, एक थ्री कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड बनता है और एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है, और दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती है। ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये दोनों जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इसलिए आगे के सारे स्टेप जो भी होंगे डबल होंगे। तो एक तो यहाँ पे आपके एटीपी प्रोड्यूस हो रहा होता है और एक आपका एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये दो दो दफा हो रहे हैं, तो यहाँ भी दो होंगे और यहाँ भी दो होंगे, तो टोटल तो आपके पास जो है फोर एटीपी बने, दो यहाँ से बने, दो यहाँ से बने, लेकिन क्योंकि शुरू में दो एटीपी यूज हो गए तो उसमें से हम दो एटीपी को निकाल देंगे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि टोटल एटीपीज कितने बने और ग्लाइकोलाइसिस में, तो आप बोलेंगे फोर, लेकिन अगर आपसे नेट एटीपी पूछा जाए तो आप बोलेंगे टू एटीपीज, बिकॉज टू एटीपीज जो है वो आपके रिएक्शन में यूज हो जाते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगी थी वो मैंने आपको बता दी है ग्लाइकोलाइसिस में। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, यहाँ पे यही चीजें बताएंगे कि आपके पास जो है दो एटीपी प्लस पीआई से एटीपी बने थे और दो एनएडीएच से ये एनएडीएच बने थे, आपके एनएडीएच और 2H पॉजिटिव मिल गया था। उसके अलावा जो ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूविक एसिड है वो हम दो तरीके से करा सकते हैं, एरोबिकली भी और एनएरोबिकली भी, ठीक है। तो होगा क्या कि जो ब्रेकडाउन होगी ना उसमें ये होगा कि यहाँ पे वाली बात लिखी हुई है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड, ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि एक मॉलिक्यूल जो है ना ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल आपको कितने देता है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड देता है, यानी कि जब आपका एक ग्लूकोज टूटेगा तो आपके पास कितने पाइरूविक एसिड बनेंगे, दो पाइरूविक एसिड बनेंगे, ठीक है। तो हर बार जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा, एक बार ग्लाइकोलाइसिस होगा और उसके बदले में दो बार क्रैब साइकिल होगी, क्योंकि जो आगे पाइरूविक एसिड की जो आगे ब्रेकडाउन होती है या जो साइकिल चलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रैब साइकिल। उसके भी दो तरीके होते हैं, एरोबिकली एंड एनारोबिकली। अगर एरोबिकली करें तो हम क्रैब साइकिल पढ़ेंगे, और अगर एनारोबिकली तो उसमें फर्मेंटेशन आ जाता है, फर्मेंटेशन में अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड दोनों आ जाती है। तो इसके लिए आपकी जो इंपॉर्टेंट है
ज्यादा वो यही है कि अल्कोहलिक में आपके पास जो प्रोडक्ट होता है वो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास एंड प्रोडक्ट होता है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है। जबकि लैक्टिक एसिड में होता है कि नॉर्मली जब हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं हमारी ऑक्सीजन नीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस ऑक्सीजन नीड को पूरा करने के लिए बॉडी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देती है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में स्टार्ट कर देती है रेस्पिरेशन। तो उसमें होता है कि लैक्टिक एसिड बनता है, जब ये मसल्स के अंदर जमा हो जाता है तो क्या करवाता है वाली बात लिखी हुई है कि व्हेन लैक्टिक एसिड कैन नॉट बी रिमूव्ड एज फास्ट एज इट इज प्रोड्यूस, यानी कि ये प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा होता है रिमूव नहीं हो पा रहा होता, तो ये अक्यूमुलेट कर जाता है किसके अंदर, सेल्स के अंदर, और मसल फटीक कराता है। इसकी वजह से हमारे पट्टों में दर्द हो जाता है एक्सरसाइज के दौरान। और फिर ये होता है कि जब हम तेजी तेजी ऑक्सीजन रेस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं अपने अंदर, तो फिर ये लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है, इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है। इसके बाद आपके पास आ जाती है क्रैब्स साइकिल। तो उसमें ये होता है कि पहले तो सबसे पहले आपके पास जो है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस साइट ऑफ रिएक्शन आपने याद रखनी है, साइटोप्लाज्म होती है। अच्छा, सारी चीजों की साइट ऑफ रिएक्शन आपने याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। क्रैब्स साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है सबसे पहले। तो ये जो हमारे पास पाइरुविक एसिड होता है ना, वो क्या होता है, वो डिफ्यूज करता है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में। आपने याद रखना है कि क्रैब्स साइकिल क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये पहले जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये पूरा प्रोसेस होता है। इन दी एंड आपके पास पाइरुविक एसिड से आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है जो कि क्रैब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए क्रैब्स साइकिल की साइट ऑफ रिएक्शन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तीनों रिएक्शन की साइट ऑफ रिएक्शन आपने याद रखनी है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको ये बताती चलूं कि इसमें ये होता है कि पाइरुवेट जो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है उससे, उसके बाद जो है ये मैं आपको साइकिल में दिखा देती हूं। पाइरुवेट जो है उसके बाद आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, उस एसिटाइल कोएंजाइम ए से आपके पास क्या होता है सिट्रेट बनता है, ठीक है। सिट्रेट बनता है, सिट्रेट से आपके पास जो है आइसोसिट्रेट, मैं आपको ये साइकिल में दिखा देती हूं। यहां पे देखिए ये आपके पास बनता है पाइरुवेट, पाइरुवेट से आपके पास बनता है सिट्रेट, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनता है, और ये दोनों जो है ना आइसोमर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, यानी कि इनमें एक ही जितने कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, सिर्फ तरतीब का फर्क होता है, और इसमें ये एंजाइम यूज होता है। एंजाइम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये होना चाहिए कि पाइरुविक एसिड या क्रैब्स साइकिल का जो पहला प्रोडक्ट होता है वो सिट्रेट होता है। अच्छा, क्रैब्स साइकिल के तीन नाम होते हैं, ट्राइकोप्रोक्सैलिक साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड क्रैब्स साइकिल। क्रैब्स साइकिल बिकॉज जो साइंटिस्ट है उनका नाम क्रैब था, सिट्रिक एसिड साइकिल बिकॉज फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस साइकिल इज सिट्रिक एसिड, एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर तीन कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थ्री कार्बोक्सिलिक साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल। फिर आगे ये सारी रिएक्शंस होते हैं विच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये है कि आपके पास कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि कितने एटीपी जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे टोटल तीन NADH2 बन रहे होते हैं, यहां बन रहा होता है, एक यहां बन रहा होता है और एक यहां बन रहा होता है। तो तीन NADH2 बन रहा है आपके पास, एक FADH2 बन रहा है ये इस स्टेप में जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है, और एक GTP बन रहा है जो कि किस स्टेप में बनता है, ये वाले स्टेप में, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनता है। बेसिकली आपको ये चीजें याद है कि तीन NADH2 बन रहे हैं, एक FADH2 बन रहा है, GTP। ये भी क्यों याद होना चाहिए कि NADH2 से आपके जो है 9 ATPs हासिल होते हैं, FADH2 से 2 ATPs होते हैं, और एक GTP यानी कि डायरेक्ट वाली जो होती है वो एक ATP बनता है। तो ये जो है आपके पास एक ही एटीपी देता है। तो टोटल आपके पास जितने क्रैब्स साइकिल में एटीपीज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपके हैं 12 एटीपीज, ठीक है। तो नॉर्मली तो ये आपके पास एक ही एटीपी बन रहा है यहाँ पे, और बाकी के जो एटीपीज हैं वो जो है किसकी कन्वर्जन से बन रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जब आगे NADH2 से आगे उसके इलेक्ट्रॉन आगे कोएंजाइम्स वगैरह में ट्रांसपोर्ट होते हैं, और उसके बाद आपका जो है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है पूरी, और उसके अंदर मजीद एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं, और टोटल एटीपीज आपके पास आ जाते हैं 36। उसके अलावा क्रैब्स साइकिल की इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी। उसके अलावा आपको याद होना चाहिए यहाँ पे ये इक्वेशन याद कर लेनी है आपने कि पाइरुविक एसिड और वाटर और पांच कैरियर्स काम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है आपके पास, वो पांच कैरियर्स बनते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आपके बताते हैं कि कितने एटीपीज बनते हैं, आपने याद कर लिया 12 एटीपीज बनते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही होता है कि रेस्पिरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन होती है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आगे आगे इलेक्ट्रॉन लॉस होते रहते हैं, और फिर इसके जरिए जो है आपका एटीपी की प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपकी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होती है वो कहाँ हो रही होती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होती है, सॉरी मैंने आपको क्रैब्स साइकिल बताया था ना, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्रैब्स साइकिल जो होती है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बल्कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है ना, ये होती है कहाँ पे, उसमें अपना क्या कहते हैं,
इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो आपकी होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके अलावा आपने ये चीजें याद रखनी है कि रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हाइड्रोजन पेयर्स जो है आगे ट्रांसफर हो रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि रेस्पिरेशन में 6 स्टेप्स होते हैं, इसमें हाइड्रोजन एटम्स जो है रिलीज होते हैं। ठीक है, तो उसमें वाली चीज बताई हुई है कि वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप ग्लाइकोलाइसिस में ऐसा होता है और 5 स्टेप क्रैब्स साइकिल में ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज बताई हुई है कि इलेक्ट्रॉन्स पे वहां से रिलीज होकर आगे एक्सेप्ट होते हैं एनएडी के और एफएडी के पास, जिससे हम एनएडीएच और एफएडीएच बन देते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के आगे प्रोसेस यहीं से होता है कि यहां से फिर वो वापस आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं साइटोक्रोम बी में, फिर साइटोक्रोम सी में, फिर साइटोक्रोम ए में, फिर A3 में। ठीक है, और उसके बीच बीच के स्टेप्स में जो है एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसकी मदद से जो है आप बनाते हैं एटीपी से एडीपी से एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इस चीज को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और डायरेक्ट जो एडीपी से एटीपी बनता है उसे हम कहते हैं सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है यही चीजें इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा एनर्जी फ्लो तो आपके रिड्यूस में है नहीं, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ये वाले की पॉइंट्स आपने लाजमी याद कर लेने हैं यहां से लेकर यहां तक के, और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके यहां तक आ जाता है, यहां तक करना है, बाकी तो रिड्यूस का है। ये चीजें लाजमी बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, बाकी एमसीक्यू मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।